डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर का नया लेक्चर लेके आए हैं जो कि लेसन नंबर टू का और सोलर सिस्टम का ही है। पिछली बार हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, सोलर सिस्टम के बारे में और सोलर सिस्टम, सन और एट प्लैनेट्स और उनके मून्स मीन्स कि सैटेलाइट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं सूरज के इर्द गिर्द, ये सब क्या हैं, एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में। हमारा अर्थ जो है इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका 71% जो है वो पानी है, ज़्यादा इसमें पानी पाया जाता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, हार्ड लेयर है, इसे क्रस्ट कहते हैं। उसी क्रस्ट पे सारे जो ये पहाड़, प्लेन, पानी वगैरह पाया जाता है। और इसकी जो इनर लेयर होती है इसे कोर कहते हैं। कोर में क्या होता है, गैसेस होती हैं और मोल्टन मटेरियल जिसे मैग्मा कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। मैग्मा क्या होता है, मोल्टन मटेरियल्स, मिनरल्स वगैरह, रॉक्स, जो क्या होता है कभी कभी जब बहुत ज़्यादा प्रेशर, उस मैग्मा को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है तो कभी कभी वो ज़मीन के बाहर टाइम टू टाइम निकलता रहता है बीच बीच में। जिस कैसे निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन से। अब है मूवमेंट ऑफ अर्थ। हमने पीछे पढ़ा कि जब जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, मतलब कि जो अर्थ है हमारी उसके कितने टाइप्स के मूवमेंट्स हैं, टू टाइप्स के। सबसे पहला है कि स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। ज़मीन जो है अपनी जो एक्सिस होती है, इसकी इमेजिनरी लाइन जिसे हम कहते हैं, एक्सिस जो होती है उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है, अपनी जगह ही अर्थ जो है वो घूमती है। उस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटेशन। हमारी अर्थ जो है एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, मतलब जैसे एक दिन बनता है, रोटेशन की वजह से ही दिन और रात बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक तो अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, उसके अलावा वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है। जब वो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी तो उसका हाफ हिस्सा जिस पे सूरज की रोशनी मतलब डायरेक्टली पड़ रही है वहाँ पे दिन होगा, और जो उसके अपोजिट में वाला हिस्सा होगा वहाँ पे रात होगी, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है। फिर जब अर्थ घूमेगी, जहाँ पे रात थी वो वाला हिस्सा सूरज की तरफ आएगा तो वहाँ पे दिन होगा, और जो क्या कहते हैं सूरज के अपोजिट में होगा वहाँ पे रात होगी। ऐसे ही दिन और रात बनते हैं, मतलब अर्थ की रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। उसके बाद है मूवमेंट अराउंड द सन। एक तो वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और दूसरी मूवमेंट क्या है सन की, कि वो अर्थ की, कि वो सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। उस मूवमेंट को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। और रिवॉल्यूशन जो है एक 365/4 डेज में कंप्लीट होती है, जिसे हम एक सोलर ईयर कहते हैं, मतलब पूरा साल। और जो रिवॉल्यूशन होती है उसी वजह से क्या होता है, सीजन्स तब्दील होते हैं, जैसे गर्मियों, गर्मियों के बाद सर्दियां आती हैं, स्प्रिंग आती है, ऑटम आता है। क्या होता है, आपको पता है अर्थ जो है वो सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है, मतलब टेढ़ी टेढ़ी है, अपनी ऑर्बिट पे घूमती है। तो क्या होता है, बीच में अर्थ के बीच में इक्वेटर है, मतलब ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब ये टेढ़ी टेढ़ी होती है अर्थ हमारी, इसका जो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर से कहते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर जब सूरज की तरफ आता है तो नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे गर्मी आ जाती हैं।
जब जमीन जो है वो घूमती रहती है सूरज के इर्द गिर्द, जब वो घूमते घूमते जब साउथर्न हेमिस्फीयर सूरज के तरफ आएगा तो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मियाँ होगी, तो नॉर्थर्न में सर्दियाँ होंगी। जब नॉर्थर्न सूरज के तरफ आएगा तो वहाँ पे गर्मियाँ और साउथर्न में सर्दियाँ होंगी। ऐसे ही क्या होता है, सीजन्स बनते हैं। जो हमारा रोटेशन जो है, रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, मौसम तब्दील होते हैं। ये था हमारे अर्थ के बारे में। अब इसके आगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।